दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। ट्रेन का सफर हमेशा ही सुहाना और यादगार रहता है। लेकिन क्या आपको याद है आपके साथ ट्रेन में सबसे ज्यादा रोचक और मजेदार हादसा क्या हुआ था? और क्या आपने कभी ट्रेन की चेन खींची है या खींचते हुए देखा है? हम भारतीयों का ट्रेन में सफर करने का और एक सपना होता है, और वो है एक ना एक बार जिंदगी में ट्रेन की चेन खींचना। ट्रेन में किसी इमरजेंसी पड़ने पर उसे रोकने के लिए सिग्नल देने के लिए चेन्स लगाई जाती हैं, क्योंकि ट्रेन को सिर्फ निर्धारित स्टेशन्स या फिर जब चालक चाहे तभी रोक सकता है। लेकिन अगर किसी पैसेंजर के साथ कुछ अनहोनी हो या कोई इमरजेंसी हो तो ट्रेन में चेन्स का सिस्टम भी है। लेकिन क्या होता है चेन खींचने से, और क्या ट्रेन की चेन खींचते ही ट्रेन रुक जाती है, और अगर नहीं तो कितनी देर बाद रुकती है? हिंदी फिल्मों में कई बार दिखाया गया है कि कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए चलती ट्रेन की चेन खींचकर भाग जाते हैं। क्या वाकई में कोई ऐसा कर सकता है, या फिर चेन खींचने के अपने नियम कायदे कानून है? अगर हैं तो वो क्या है? आपके दिमाग में गोते खा रहे इन सभी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हो चुके हैं हम। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज्ञान ही ज्ञान आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रेन के सफर में आपको आनंद लेना है तो रिजर्वेशन करते हैं, और रिजर्वेशन के भी अपने अपने नियम कायदे कानून हैं। भारत में ट्रेन की शुरुआत ब्रिटिश काल से हो गई थी। पहले भाप के इंजन वाली ट्रेन्स का चलन था। धीरे धीरे पेट्रोल इंजन वाली ट्रेन भी अस्तित्व में आई, और फिर मेट्रो जैसी आधुनिक और इलेक्ट्रिक ट्रेन भी देश की पटरियों पर दौड़ रही है। समय के साथ साथ रेलवे ने भी तरक्की की और अपनी सुविधाओं को बेहतर किया। ट्रेन में एक पैसेंजर की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, वही ट्रेन में अब स्वच्छता को लेकर भी काम किए जा रहे हैं। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो ट्रेन में कई तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चित और आज का हमारा विषय, यानी कि ट्रेन में चेन की भी सुविधा है, जिसका इस्तेमाल यात्री तब करता है जब उसे ट्रेन को किसी अनहोनी के कारण रोकना हो। ट्रेन में यात्रियों को सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। दोस्तों, लोग ट्रेन का सफर तो कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों को रेलवे के नियमों के बारे में नहीं पता होता है। यहाँ तक कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे के अपने कायदे कानून हैं। बस सफर करना था सो ट्रेन का टिकट बुक किया और चल पड़े ट्रेन की सवारी करने। ट्रेन में सफर करने के नियम को लेकर लोगों को सिर्फ एक ही नियम याद है, और वो है बिना टिकट यात्रा ना करना। लेकिन इसके अलावा भी कई नियम हैं जिनसे यात्रीगण अनजान है। इनमें से ही एक नियम है ट्रेन की चेन खींचना। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर चेन खींचना क्या है और किस तरह से इस सुविधा का ट्रेन के मुसाफर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन की लगभग हर बोगी या डिब्बे में एक चेन दी जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर यात्री अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही किया जाना चाहिए, जैसे कि अगर किसी डिब्बे में आग लग जाए, किसी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति को शारीरिक परेशानी हो, लूट मार डकैती या फिर किसी व्यक्ति की अचानक से तबियत खराब होना। इन सभी मामलों में ट्रेन की चेन खींचे जाने को वैध माना जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब किसी आपातकाल की स्थिति में किसी डब्बे की चेन को खींचा जाता है तो चालक को एक सिग्नल मिलता है। ये एक तेज ध्वनि होती है जिससे चालक को पता चलता है कि ट्रेन के किसी डब्बे में यात्री ने चेन खींची है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर पुलिस और चालक को ये कैसे पता चलता है कि किस डिब्बे से चेन खींची गई है। वक्त के साथ साथ रेलवे ने इस पर काफी काम किया है, और अब रेलवे ने तकनीक की सहायता से चेन खींचने वाले डब्बे का पता लगाने में कई बड़े बदलाव किए हैं। किसी ट्रेन के किस डब्बे से चेन खींची गई थी इसका पता लगाने के लिए वक्त वक्त पर डब्बे को कई प्रकार से बांटा गया है। इसमें वैक्यूम ब्रेक डब्बे, एयर ब्रेक डब्बे ICF डिजाइन, एयर ब्रेक डब्बे LHB डिजाइन शामिल है। पहले ट्रेन के डब्बे वैक्यूम ब्रेक डिजाइन के होते थे, जिसमें डब्बे की चेन खींचने पर डब्बे के ऊपर एक कोने में लगा एक वॉल्व खुल जाता था। ड्राइवर या सहायक ड्राइवर या गार्ड या रेलवे पुलिस इस घूमे हुए वॉल्व को देखकर ही समझ जाते थे कि इस डब्बे से चेन खींचा गया होगा। जब डब्बे की पहचान हो जाती थी तो उस वॉल्व को ड्राइवर ऊपर चढ़ाकर रीसेट कर देता था। एयर ब्रेक ट्रेन के आने के बाद भी वॉल्व में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि अब चेन खींचने के बाद वॉल्व के घूमने के बाद उसे ठीक करने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉल्व में एक रस्सी या एक तार फिट किया होता है, जिसे खींचकर वॉल्व को वापस से वैसा किया जा सकता है।
तीसरा LHB डब्बे वाली ट्रेन में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जब से LHB ट्रेन्स आई हैं, चेन खींचने वालों का पता लगाना बेहद ही आसान हो गया है। इस तरह की ट्रेन्स में हर डब्बे के दोनों तरफ एक सफेद रंग का अलार्म होता है जिसमें लाइट लगी होती है। ट्रेन के अंदर चेन खींचने के बाद डब्बे के बाहर ये अलार्म बजने लगता है और अलार्म के अंदर की लाइट जल जाती है। इस तरह ट्रेन के चालक और सहायक गार्ड और पुलिस को पता चल जाता है कि किस डब्बे से चेन खींची गई है। ट्रेन में मौजूद सभी सुविधाओं में सबसे ज्यादा अहम एक यही सुविधा है, लेकिन इसका भी लोग बुरा इस्तेमाल ही करते हैं। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए ट्रेन के डब्बे की चेन खींचकर भाग जाया करते थे, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ता था और ट्रेन देरी से चलती थी और इससे रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता था। कई बार तो लोग अपने गांव में उतरने के लिए स्टेशन से दूर कहीं भी ट्रेन रोक देते थे और चेन खींच देते थे। इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन करने के लिए रेलवे ने 1989 एक्ट लागू किया, जिसमें ट्रेन के डब्बे की चेन खींचने के नियम और बिना वजह के चेन खींचने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति तभी चेन खींच सकता है जब किसी सहयात्री जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, वो बीमार हो या बच्चा छूट जाए और ट्रेन चल दे, फिर ट्रेन में आग लग जाए, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने में वक्त लग रहा हो और ट्रेन चल दे, अचानक बोगी में किसी की तबीयत बिगड़ जाए जैसे कि दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आना, ट्रेन में झपटमारी, चोरी या डकैती की घटना हो जाए, तब भी यात्री को डब्बे में लगी चेन खींचने का अधिकार प्राप्त है। इन समस्याओं के अलग अगर कोई अपने मनोरंजन के लिए चेन खींचता है तो उसे कठिन से कठिन सजा देने का प्रावधान इंडियन जुडिशरी में है। बिना वजह चेन खींचने वाले व्यक्ति को इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के अनुसार रेलवे स्टाफ के काम में इंटरफेरेंस करने के जुर्म में 1 साल की सजा और 1,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि बिना वजह डब्बे की चेन खींचते हुए अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो ₹500 का जुर्माना लगता है, वहीं अगर आप दूसरी या उससे ज्यादा बार पकड़े जाते हैं तो आपको ₹1,000 का जुर्माना और 3 महीने की कैद भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके खुरापाती दिमाग में ऐसा कुछ करने का ख्याल आ रहा है तो उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दोस्तों किसी भी अधिकार के साथ कर्तव्य तो आते ही हैं। ट्रेन की बोगियों में बिना कोई ठोस वजह के चेन खींचने के मामले बहुत पहले से हैं। पहले के जमाने की अगर बात करें तो पहले ट्रेन की हर बोगी की दीवार पर हर तरफ जंजीर दी जाती थी ताकि कोई भी पैसेंजर उस जंजीर को बजाकर खुद को और ट्रेन को किसी अनहोनी से बचा सके, मगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से रेलवे ने इनकी संख्या घटा दी। अब चेन के रूप में ये अलार्म हर बोगी में केवल बीच में दिया जाता है। तो दोस्तों क्या आपने भी कभी ट्रेन की चेन को खींचते हुए देखा है? अगर हाँ तो कब और कैसे, अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।